सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। देख, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। ठीक है सरकार, ठीक है। मैं ना सरकार, मैं भी उसका बंदोबस्त करता हूं। हाँ सरकार। और बता, वो हमारा हाईवे प्लान रोड का क्या हुआ? वो सरकार? हाँ। अरे वो तो 10-15 दिन में रकम आपके पास पहुंच जाएगी सरकार। मैं खुद पहुंचाऊंगा आपके पास। हाँ ठीक है, उसके बाद ही बात करना मुझसे। हाँ भरोसा कीजिए सरकार। चूतिया सर, मैं पहुंचाऊंगा ना। बड़ा मार के फूकने आए। हेलो जयराम जी की लक्खो भाई, बड़ी देर कर दी फोन उठाने में। कौन है भाई साईं? नाराज हो क्या? अरे नाराज काहे को, मैं लक्खो नहीं हूँ। लक्खो तो गयो, मैं पप्पू बोल लूँ, पप्पू। अरे भाई, आपको डरने की क्या जरूरत, हम लोग तो हैं आपके साथ। अरे भाई समझो मेरी बात, समझो मैं पप्पू बोल रही हूँ, पप्पू। अरे लक्खो भाई, मैं अभी खुद हाजिर हो जाता हूँ आपके पास। हाँ अभी 2 मिनट में। अरे नहीं 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 भाई नहीं, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अरे लक्खो भाई, कभी व्यापारियों नेताओं के संबंध ऐसे ही खत्म होते हैं? अरे जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगा। क्यों लक्खो भाई? जन्म जन्म के? अरे भैया मेरी तो फट गई। मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें कब तक देता रहूंगा। अरे तुम्हें सत्ता में हो तब भी दूं, और सत्ता में नहीं हो तब भी दूं। अरे भैया हमारा तुम्हारा बिजनेस खत्म। अरे नहीं नहीं सक्को भाई, आपको डरने की कभी जरूरत नहीं है। हाँ हम लोग तो हैं। डरो मत। अरे मेरा तो मूत निकल गया भैया। अरे मेरी बगल में 6 फुट को अट्ठो कट्टो आदमी 2 मिनट में लाश बन गयो। अरे नाल जरासी भी हिल जाती तो मेरो तो काम है गयो। भैया तू लखो लखो नहीं कह रहा हो तो या मैं तो लंदन जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारा व्यापार खत्म। ये भी गया उससे, कुछ करता हूँ। हाँ। राम राम। लखो सेठ, हम अपना धंधा पूरा ईमानदारी और वफादारी के साथ में करते हैं। हम खादी की आड़ में ताड़ी पीने वालों में से नहीं है। अब अपना धंधा बिंदास करो, बिंदास खुल के करने का, किसी से डरने का नहीं। हाँ बाबू भाई, अभी बुलाता हूँ। रोहन ननके से कह रहा, बबलू कंजे का फोन आया है। अबे चुप, सारे लोग चुपचाप बैठो, देख साले को। अबे मार दी गोली साले ने। अबे अबे बैठ यार, बात बात में तू घोड़ा क्यों निकल लेता यार? वो सिनेमा है, बैठ। सिनेमा है, पिक्चर देख आराम से। साला पता नहीं दिल से लेता, दिमाग से समझ नहीं आता है। ए साले नेता की तो माँ की। पापा वो नेता है, नेता सफेद वर्दी वाले, जानता कितना पावर होता है उनमें। तेरी और मेरी कोई औकात नहीं है, पटक नहीं सकते हम लोग। साला एकदम भेजा उड़ा देते हैं, नीचे तड़पता ऐसा भेजा। बैठ ठंडा हो, बात बात में घोड़ा तमंचा और लात, मेरा तो सर फट जाता है। अभी क्या कर रहा है तू? उड़ा ले फिक्र को धुएं में। चचा चटू निकल यहां से, बबलू कंजे का फोन है। अबे बबलू कंजे का फोन, चल। अबे चल 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 साले, पता नहीं क्या काम है साले, चल चल चल।
हाँ बबलू भाई, हाँ साले को टपका, हाँ साले को टपका देगा, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? ठीक है ना? ओके भाई। किसको टपकाना अभी? उसको। देखिए सेठ जी, सुप्रीमो से मेरी आपके ही बारे में बात हो रही थी, क्या हुआ उनके हिसाब किताब का? जैसा आप कहोगे, और सुप्रीमो से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैंने सुप्रीमो से बात कर ली है। ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लीजिए, सुप्रीमो जी आ गए। बैठिए बैठिए। चाय लीजिए। हाँ नेताजी, अरे तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? आपको बताने की क्या जरूरत है? आपने ये सफेद लिबास के पीछे दिल नहीं दिया, और ये साफ सुथरे हाथ सब खून में रंगे हुए, और अगर इंसानियत होती तो आज मैं इस ओहदे पे नहीं बैठा होता, और राजनीति का सुप्रीमो नहीं बना होता। जी सुप्रीमो, बस आपसे एक ही निवेदन है सुप्रीमो, अपना आशीर्वाद हम लोगों पर ऐसी बना के रखिए। वो तो है, लाला तो देश छोड़ गया, अब आपका क्या होगा? सारा कंट्रोल खत्म हो गया। मैं अगर पर्दे से बाहर आया तो आप तो काम से गए। जी सुप्रीमो। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कुछ समझ में आया? जी ठीक है सुप्रीमो, ठीक है सुप्रीमो, मैं समझ गया। और आप सुनाए, वो हमारे हिसाब किताब का क्या हुआ? जैसा आप समझे। कोई बात की आपने इनसे? मैं सेठ जी से पहले वही अभी वही बात कर रहा था, आपके आने से पहले, बताइए ना। देखिए ऐसा है नेताजी, आप ठीक ठाक काम करें तब तो सारी बात ठीक है, वरना नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा सुप्रीमो जी। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा सुप्रीमो। अच्छा अच्छा जी। बोलो चाची, क्या कह रही हो, कैसे याद किया? हाँ बच्चे, अपनी जगह से बोल रहा हूँ चाची। जिस जगह तू है उस जगह को खाली कर दे, निकल जा वहाँ से, क्योंकि क्योंकि अब वो जगह चाची एंड कंपनी की हो गई है। अरे क्यों खजेली कुतिया की तरह भौंक रही है ससुरी? भुकती नहीं हूँ, काटती भी हूँ मैं। तेरे पास पलट गए चाची, अब तुझे भीख नहीं मंगवा दिया तो मेरा नाम भी सक्सेना नहीं। अरे भीख भी जब मांगेगी जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। जरा पीछे देख, मेरे खिलाड़ी तेरे पीछे खड़े हैं। अरे ये पिटखोरा। तेरा लाला मेरे कब्जे में है, अरे उसका कोई फोन मोन आया कि नहीं आया? सक्सेना, ये वो ननकी नहीं जो तेरे यहाँ पर कलम घिसा करता था। तू भी बोल चाची के कुत्ते। तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक कुत्ता ऊंट गाड़ी के नीचे चल रहा था, उसको लग रहा था कि गाड़ी उसकी वजह से चल रही है। क्या कहा था तूने? जंग लगा हथियार। जंग लगा हथियार जब किसी के हाथ में होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो दोस्त है या दुश्मन। समझ में आई? चल हट पीछे, चल हट पीछे। साले एक एक करके आओ, ये खिलौना छोड़ दो, इन खिलौनों से मैंने बहुत खेला है। मैं तुझे आज एक बार और खेलना पड़ेगा तुझे। चल उठा इसको, चल। लल्ला का है, बता दे हरामजादे लल्ला का है। ननकी
मार डाला हम साथी को, मार डाले से। दादी लाला कहाँ है? नहीं तो मुझे मुर्दों से बुलवाना आता है। ठोक दो साले को, ठोक दो। चाची मुझे हुकुम दो, सबकी सब ठोक देता हूँ साले में। बता। देवेश चौधरी, सेब का बाजार। भाई चौधरी साहब पे हाथ उठाता है। अबे हट, जानता नहीं है तू मैं कौन हूँ। ले चाची के पिल्ले, खाना खा ले, कल रात से तूने कुछ नहीं खाया है। अबे हट, थूकता हूँ तेरे खाने पे और तुझ पे। तुम लोग जानते नहीं हो तुम किसे उठा के ले आए हो यहाँ पे। तुम मेरी चाची को नहीं जानते हो, लाला कहते हैं मुझे लाला। छोरी और लुगाइयाँ बिस्तर पे ही अच्छी लगती है। हट, चौधरी साहब पे हाथ उठाता है। हटो सालो। चलो भाई खाना खा के आते हैं, मारने दो हुका साले को। हुका आराम से, साले बहुत शातिर हो जाए। हुका मैं इधर तू उधर। हुका चली कर। हुका खोल। हुका ठहरो ठहरो, अभी खोल रहा हूँ भाई।